नमस्कार, मैं उमेश प्रसाद शर्मा दो दिनों के बाद फिर मुखातिब हो रहा हूँ आपको। मैं फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब का चैनल अनेक हैं, उस चैनल में से मेरे चैनल का नाम है ग्रेटेस्ट मॉडर्न एज नॉवलिस्ट उमेश प्रसाद शर्मा उमेश। दोबारा कहता हूँ, चैनल को खोलने के लिए, चैनल की पहचान करने के लिए आपको बोलना है ग्रेटेस्ट मॉडर्न एज नॉवलिस्ट उमेश प्रसाद शर्मा उमेश। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष काव्य कस्तूरी कविता संग्रह के बारे में व्याख्यान दे रहा हूँ, वक्तव्य दे रहा हूँ। यह काव्य कस्तूरी मात्रिक छंदों एवं वर्णिक छंदों पर आधारित 108 पृष्ठ की किताब है। इस किताब में करीब करीब 20 काव्य शास्त्रों पर आधारित विभिन्न कविताएं हैं जो मुक्त छंद से दूर हैं, सर्वथा काव्य शास्त्र पर आधारित हैं। मुझे काव्य शास्त्र पर क्यों लिखना पड़ा, सवाल उठता है। आज मुक्त छंद का दौर चला है, सारे लोग जैसे तैसे कविता लिख लेते हैं, लेकिन मुझे आत्मग्लानी होती है कहने में कि कवियों की बाढ़ आ चुकी है, रचनाकारों की बाढ़ आ चुकी है, लेकिन उन सारे कवियों और रचनाकारों से मैं कुछ कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उन सारी रचनाओं को पढ़ कर के आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ना जाने रचनाकारों को सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारी प्रथा के खिलाफ एवं यत्र तत्र पुराने कथा पर आधारित पुस्तक और पांडुलिपि की रचना कर बैठते हैं, जो सर्वथा इस विकासशील भारत में उपयुक्त नहीं है। इस विकासशील भारत में उपयुक्त है जो उस तरह की किताबें आज तक किसी पुस्तक प्रकाशन और किसी प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है, सिवाय उमेश प्रकाशन सिकंदरपुर भागलपुर के। फिर मुझे आत्मग्लानी होती है और संकोच होता है कहने में कि ऐसी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ। ऐसी बातें मुझे कहनी पड़ती है कि आज भी पाठ्यक्रम में वही गोदान पढ़ाई जाती है, गोदान उपन्यास पढ़ाए जाते हैं। अब गोदान का समय नहीं रहा, जब कंप्यूटर का युग आ गया, मोबाइल फोन का युग आ गया, सुन रहे हैं आप लोग यूट्यूब पर, गूगल पर कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई को। तो साहब, जब हमारा भारत इतना विकासशील हो गया और पाठ्यक्रम में वही घिसी पिटी किताबें, आज तक ना मोबाइल फोन पर किताबें लिखी गई, ना कंप्यूटर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप पर किताबें लिखी गई, ना इंटरनेट के बारे में लिखी गई, लेकिन उमेश प्रसाद शर्मा उमेश के द्वारा, उमेश प्रकाशन सिकंदरपुर भागलपुर के द्वारा इन चारों विधाओं पर उपन्यास लिखे जा चुके हैं, और वो उपन्यास पूर्व से प्रकाशित भी है, जो आपको इसी यूट्यूब पर, इसी चैनल में उपलब्ध होगा, और गूगल पर भी आप सर्च करेंगे तो ये चारों नाम की किताबें आपको उपलब्ध हो जाएंगे। किताब का नाम मैं फिर से कहता हूँ, मोबाइल फोन उपन्यास। ये दो भागों में है, पहला भाग 192 पृष्ठों की है, दूसरा भाग 300 पृष्ठों की है।
तो पहला भाग मैंने गूगल पर लोड कर दिया है, पीडीएफ पर लोड किया हुआ है, जो कि आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं, संपूर्ण किताब पढ़ सकते हैं। उसी तरह दूसरी किताब कंप्यूटर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, जो 400 पृष्ठों की है, वह किताब इसी चैनल के द्वारा गूगल पर भी लोड किए गए हैं और इसी YouTube पर PDF फॉर्म में उपलब्ध है। आप मेरे वक्तव्य के बाद आपको मोर पर क्लिक करना होगा। जब आप मोर पर क्लिक करेंगे तो फिर पुस्तक का लिंक आएगा जो ब्लू प्रिंट में प्रिंटेड है। उस ब्लू प्रिंट को जब क्लिक करेंगे आप, तब आपको PDF की फाइल खुलेगी और उस PDF में कंप्यूटर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप अथवा और भी अन्य सारी किताबें आप क्लिक करते जाएंगे मिलती जाएगी। तो अब तक मैंने 16 किताबों को गूगल पर, यूट्यूब पर PDF फॉर्म में लोड कर दिया है, सारी किताबें उपलब्ध हैं। मैं पाठकों से यह कहना चाहता हूँ कि मुझे यह वक्तव्य क्यों देना पड़ा, क्यों काव्य शास्त्र पर आधारित काव्य संग्रह हमको काव्य कस्तूरी नाम की किताब को लिखना पड़ा, प्रकाशित करना पड़ा, यही एक सवाल है। यह एक सवाल इसलिए उठता है कि आज के दौर में मैंने यह देखा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल चुके हैं, सारे माँ बाप अपने बेटे बेटियों को स्कूल मीडियम में नामांकन करा भी रहे हैं और स्वतः बैग लेकर के बच्चों को स्कूल पहुँचाने जाते हैं। जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता है, तब तक माता पिता बैग लेकर के बस्ता ढो करके स्कूल पहुँचाते हैं और फिर स्कूल से लाने के लिए जाते हैं। तो उन छात्रों से जब उनके माता पिता के सामने मैंने पूछा कि देखिए आपने इतना खर्च तो किया, देखिए आपका बच्चा 50 पैसे का ज्ञान नहीं है, तो कहा कैसे, देख लीजिए। मैंने उनके दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया, बोले तुम बोलो तो अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलो कि मुझे किताब पढ़नी है। चुप्पी साध लिया। जो 10वां क्लास का लड़का था, उन्हीं का लड़का, तो अब तुम बोलो जी, छोटा तो नहीं बोल सका, तुम बोलो, मम्मी और पापा को एक ने बड़का खूब रैंक लाता है, बड़का बोल देगा। जब बड़े को पूछा गया, बड़ा भी उसी तरह से मुंह ताकते रह गया। तो मैंने तुरंत जवाब दिया उनको कि अब पूछिए, देख लिया ना। तो उसके मम्मी पापा कहने लगे, अरे तुम बेइज्जती करा दिया रे, देखिए सुनिए ना, अभी तो बेइज्जतीये किया, कल लाठियो लगेगी आपको, जाइएगा कहने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, मेरा बेटा तो BA पास है, आ कह देगा कि बैचलर का स्पेलिंग लिखो तो आकाश ताकेगा, BA पास हो गया, BA पास हो ना गया। अब कल की बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि आज जब से काव्य शास्त्र पर आधारित कविता लिखना बंद करा दिया, पाठ्यक्रम से काव्य शास्त्र वाली किताब को पढ़ना छोड़ा दिया, किताबों का एकदम लोगों को बेबुनियाद कर दिया, ये काव्य शास्त्र कुछ नहीं है, मुक्तक है, जो भी है मुक्तक में लिखो, जो मन सो लिखो, तो उसी तरह से मुझे यह कहना पड़ता है कि जितने भी मुक्तक लिखने वाले कवि हैं, उनकी कविताओं में, उनके गद्यांश में, उनके कथा गाथा में असीमित बाढ़ आई हुई है। और जब काव्य शास्त्र को देखिए तो वह सूत्रबद्ध है, न एक शब्द इधर जा सकता है, न एक शब्द उधर से आ सकता है, कितना सटीक है। रामायण काव्य शास्त्र पर आधारित है, कहाँ इधर से उधर लोग कर सकता है, उल्टा भी पढ़िए वही राग, सीधा भी पढ़िए वही राग। जब लोगों के सामने, पाठकों के सामने, टीचर के सामने, अध्यापक के सामने वे सारे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो फिर किस मुंह से, किस क्षमता से और किस ज्ञान से ऐसे काव्य शास्त्रों को पाठ्यक्रम से हटा दिया। तो मैं अभी कह रहा था कि मैं कल की बात कहता हूँ, कानून में संशोधन कर दिया गया, आश्चर्य लगेगा कि
जिनका पहला अपराध होगा उनको माफ कर दिया जाएगा, मात्र 24 घंटे का उनको सजा दी जाएगी। तो बताइए, जब 24 घंटे की सजा दी जाएगी और पहला अपराध मर्डर कर दिया हो तो 24 घंटे में तो निकल गया मर्डर कर करके, तो कितना बढ़िया कानून बना। दूसरा कानून में संशोधन किया गया कि राजद्रोह, राजद्रोह नाम का जो भारतीय दंड विधान में था उसको हटा दिया। यह कहते हुए हटा दिया कि राजद्रोह क्यों, वो तो अंग्रेज के समय का था, राज जिस समय राजा का राज्य था उस समय का था कानून, तो वह कानून लोकतंत्र में प्रजातंत्र में क्यों रहेगा, सबको अधिकार है लोग जो मन सो बोले। तो आज यही कारण है कि प्रजातंत्र राज्य में न बड़े का लिहाज कोई करता है न छोटे का कोई आदर करता है, सब की आदतें धीरे धीरे बिगड़ रही है। टीवी के सामने बैठ जाते हैं, माता पिता एक आसन पर बैठे हैं, बच्चे दूसरे आसन पर बैठते हैं, टीवी में किस किया जाता है, बच्चे भी आनंद ले रहे हैं माता पिता भी आनंद, कितना बढ़िया यह लोकतंत्रीय राज है, कोई संस्कृति नहीं। जब इस तरह की संस्कृति हमारे समाज में हमारे देश में नहीं रहेगी तो फिर इस देश का कल्याण क्या होगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों पढ़ा जाता है विश्वविद्यालय में कॉलेज में उच्च विद्यालय में मिडिल स्कूल में अपर प्राइमरी स्कूल जिसको कहते हैं, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जब हमारे संविधान में राजनेता बनने के लिए कोई योग्यता है ही नहीं, कोई भी आदमी 18 साल से ऊपर राजनेता बन सकता है, कोई भी आदमी मंत्री बन सकता है लिखने का ज्ञान हो चाहे नहीं हो, क्योंकि संविधान हमारा कह रहा है। तो कितना बढ़िया लोकतंत्रीय शासक हैं, और आज इस तरह से कानून को रिपील कर दिया गया, क्या परिणाम होगा। तो इसीलिए मेरा यह वक्तव्य है कि आप लोग जितने भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, सबसे मैं यह अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं जरूर पढ़ावें, एकदम जितने भी रुपये हैं सब लगा दें तिजोरी का बैंक का, तब तक आपको संतुष्टि नहीं होगी जब तक कि उसकी नौकरी नहीं लगेगी। और यह भी सुन लीजिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले की सरकारी नौकरी कभी नहीं होगी और नहीं होती है, वह प्राइवेट जॉब में जाता है, और प्राइवेट जॉब में क्या कमाता है कैसे कमाता है तो उस कमाने वाले से पूछिए कि 8 घंटे की ड्यूटी है तो 13 घंटे 14 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है तब उनको पैसा दिया जाता है। आज आपको छुट्टी की ज़रूरत है, छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि आप उनके अंदर हैं जो स्वतः मालिक है कारखाना के, तो कारखाना के मालिक अपना काम बंद करके आपको छुट्टी नहीं देंगे। सरकारी जॉब में क्या है, चलो संडे है महीना में 4 संडे हो गया, एक शनिचर शनिवार हो गया, चलो ना 5 छुट्टी तो ऐसे हो गई। हर महीना देखिए तो किस जाति की किस समुदाय के पर्व त्यौहार नहीं है, हर समुदाय के हर महीने में एक न एक दिन पर्व है तो उसकी भी 2 छुट्टियाँ। तो साहब आदत तो हम लोगों की बिगड़ गई, 20 दिन 25 दिन काम नहीं करते हैं महीना दिन का पैसा मिलता है, और वहाँ भी देखने वाले कोई नहीं, अफसर भी वैसे नौकर भी वैसे, अफसर भी फुल पैंटे पहनते हैं और चपरासी और किरानी जो है वह भी फुल पैंटे पहनते हैं, अफसर की आंख में चश्मा नहीं है लेकिन चपरासी की आंख में चश्मा और टाई लगा हुआ है, देखिए पहचानिए कि कौन अफसर है। तो इस संस्कृति में जीना तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक आपके बच्चों में लिखने और पढ़ने की क्षमता नहीं रहेगी। आज दीर्घ उत्तरीय परीक्षा में बैंड कर दिया गया कि नहीं दीर्घ उत्तरीय लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर दीजिए, टिक लगाइए। तो टिक लगाने वाले क्या कर सकते हैं आगे चल करके,
टिक लगाने की आदत है, टिक लगा दिए, लग गया तो निशानेबाज, नहीं लगा तो ताकते रह गए। देखो ना कितना निशाना, हम एक के ढेला में घड़ा फोड़ दिया। अरे क्या तुम एक ढेला में घड़ा फोड़ दिए। आज लोगों को वक्तव्य देने की क्षमता नहीं है, आज लोगों में लेखन क्षमता नहीं है, आज लोगों में व्याख्या करने का क्षमता नहीं रह गई। आज लोगों को 100 पृष्ठ का लिखने के लिए कहिए तो अपनी कलम रख देंगे, यहाँ तक कि लोग कलम छूते ही नहीं है। अब तो मोबाइल पर फिंगर, और उसी को पूछे कि मोबाइल बंद कर दो, एक ठो नंबर बोलो तो मोबाइल फ़ोन का 50 आदमी का याद है, ताकने लगा। यानी मोबाइल छीन लीजिए तो सारी बुद्धिमानी निकल गई, मोबाइल हाथ में दे दीजिए तो उसके सामने कोई विद्वान है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने इस मुक्त छंद के युग में काव्य शास्त्र पर आधारित काव्य कस्तूरी और सहस्र छंदस नाम की पुस्तकें लिखी, और मैं इस चैनल पर इस बार 16वीं किताब काव्य कस्तूरी PDF बना करके डाल दिया हूँ, जिसका लिंक दिया हुआ है ब्लूप्रिंट में। मैंने कहा उस ब्लूप्रिंट पर क्लिक करके पढ़िए। हमको कमेंट आया, लोगों ने मुंह से कहा कि आप 5-5 मिनट के वक्तव्य में ही सारी किताबें आपकी है। मैंने हंस दिया और कहा कितने बड़े विद्वान हो, हैं कौन ची हो, डॉक्टर हो, क्या हो, वकील हो, क्या हो, अफसर हो, नौकरी करते हो, और कहते हो कि मोबाइल पर से पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर से, जब एक किताब नहीं निकाल सकते हो तो फिर तुमने पढ़ा क्या, क्या वक्तव्य सुना। तो यही मुझे कहना पड़ा कि साहब मोबाइल और कंप्यूटर के युग में न ज्ञान रहा न प्रतिष्ठा रही। इस ज्ञान और प्रतिष्ठा को बचाना है तो आप फिर से प्राचीन संस्कृति को भी साथ लेकर चलिए। जब तक प्राचीन संस्कृति को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक देश का कल्याण नहीं है, और देश का कल्याण क्या, समाज का भी कल्याण नहीं है, समाज का कल्याण क्या, व्यक्तित्व का कल्याण नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का आदर सत्कार नहीं करते हैं, सब अपने गौरव में अपने अभिमान में मदमस्त हैं। इसलिए मुझे यह वक्तव्य देना पड़ा कि साहब आप लोग फिर से काव्य शास्त्र पर आधारित और दीर्घ उत्तरी से जुटिए, अन्यथा आप लोगों का जीवन तो बर्बाद हुआ ही, आपके भावी भविष्य जो भावी बच्चे जो आने वाले हैं भविष्य में, उनका भी जीवन इसी तरह बर्बाद होके रह जाएगा। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, और मैं फिर आपसे एक बार याद दिलाता हूँ कि मेरे वक्तव्य और मेरी किताब को पढ़ने के लिए आप चैनल का नाम याद रखें, ग्रेटेस्ट मॉडर्न एज नॉवेलिस्ट उमेश प्रसाद शर्मा उमेश। बंधुओं, फिर दूसरी वीडियो में सहस्र छंदस को लेकर मैं आ रहा हूँ, प्रतीक्षा करें।